वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज जो है 10.2। बहुत ही मजेदार तरीका से आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके जो भी 10.1 और 2 थ्योरम था, यानी प्रमेय था, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आप सर्किल समझ गए ना, ब्रीथ समझिए कि आपका ब्रीथ से तो एक क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक मान लीजिए कि कोई बिंदु है, और उस बिंदु का क्या नाम है, क्यू नाम है, और वहां से स्पर्श रेखा गया है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये क्यू बिंदु है और ये एक सर्कल है। जय हिंद। क्या आपको पता है इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। ये क्या है, एक सर्कल है। अकर है क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा गया है। कहा गया है स्पर्श का मतलब जाके यहां सट जाएगा, ठीक है। और उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 दूरी उसका कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर हो गया, और ये केंद्र से इसका दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। क्या कह रहा था कि एक वृत्त है, और वृत्त के कहीं दूर, मतलब किसी इलाके में, किसी जमाने में, समझ लीजिए किसी दूर जगह पे एक पॉइंट है जिसका नाम है कि वहाँ से स्पर्श रेखा गया है। कहा गया है स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, और उसी बिंदु से बीच की दूरी, तो इसी बिंदु से यहाँ केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ये त्रिज्या, यहाँ देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, यहाँ वृत्त से जो यहाँ सर्कमफेरेंस यानी परिधि तक जो लाइन होता है, परिधि समझ रहे हैं, बाउंड्री, मेढ़ी, ठीक है। तो समझिएगा, चारों तरफ से मेढ़ी है, बाउंड्री है, और वृत्त से और यहाँ सेंटर से और ये मेढ़ी, यानी कि चारों तरफ से जो ये है परिधि, उसके बीच की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। यही निकालना है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, उसकी कहानी भी बताए थे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताए थे। यहाँ पे ये निकालना है, बताइए यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श होगा वहाँ 90 डिग्री बनता है, वो हम साबित कर चुके हैं कि वो लंब होता है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, इसी फिगर को हम उठा दिए, क्या किए हैं, उठा दिए हैं। तो देखिए, तो ये लंब है, ये आधार है, आई सबसे बड़ा लाइन है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसका भी कोई नाम रख देते हैं, पी है, यहाँ पे पी रख देते हैं नाम, ठीक। यानी कि अगर हम इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रखते हैं ओ, और इसका नाम रखते हैं क्यू। तो यहाँ ओ पी दिया है 24, बड़ा वाला लाइन दे दिया है 25, और निकालना है ये। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल लीजिए कि पाइथागोरस फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपको बताए भी थे। यहाँ आधार निकालना है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यही करना है। लेकिन घटाइएगा तो किस में घटाइएगा, स्क्वायर में घटाइएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, निकालना था आपका आधार स्क्वायर बराबर, क्या निकालना था, आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब तो दिया था, आधार निकालना था। यहाँ देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका सबसे बड़ा लाइन होता है कर्ण, 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 625, और माइनस 24 का स्क्वायर 576। जब इसको घटाइएगा तो ये आएगा आपका 15 में से 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये आपका हो जाएगा कितना, 11, 11 में से अगर 7 जा रहा है तो हो जाएगा 4, 49 आएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है। यानी कि आधार, आधार बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, हो गया आपका आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कौन है, ऑप्शन नंबर ए आया है। तो यही आधार निकालने का बोल रहा था आपको, कि क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि वृत्त की त्रिज्या। तो आप खुद सोच के देखिए ना, ऐसे था, ऐसे था, यही ना था, ये वाला बोल रहा था, ये सही से मिला, ऐसे था, ये दिया था 25 और ये दिया था 24, ठीक है। अब बोल रहा था ये त्रिज्या निकाले, तो हम 25 में से 24 को घटा दिया, लेकिन किस तरह घटाए, स्क्वायर करके रूट में, फॉर्मूला पाइथागोरस का यही होता है। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर दो आपके एक चीज ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर दो आपके लिए वीवीआई रहेगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए रहेगा क्योंकि ये कई बार पूछा है, कई मरतबा पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये तो पक्का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको पीछा थोड़े ना करवाना है, आपको इसको क्या करना है, इजिली मतलब सॉल्व करना है। आप बताइए उस समय से हम लोग बात करें, एक गोला रहेगा यानी वृत्त रहेगा, गोला मत समझना, वृत्त समझना, गोला अलग हो जाएगा, ठीक है। एक वृत्त रहेगा, आप बाहर कहीं से अगर इस पर स्पर्श होगा, इस पर स्पर्श, स्पर्श माने सटेगा आके, तो यहाँ केंद्र से ऐसे जो लाइन जाता है वह 90 डिग्री बनाता है, कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री, जहां स्पर्श होगा वहां कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, पूरे 10 लेसन का यही निचोड़ है कि जहां स्पर्श होगा जहां सटेगा वहां 90 डायरेक्ट समझ लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। ये कह रहा है यहां पे यदि टीपी टीपी और टीक्यू ओ केंद्र, केंद्र वो है ना है जी, बीच वाला केंद्र क्या है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त को, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार, इधर देखिए ये दोनों आके सटा है कि नहीं, इधर बाहर टी से, ये टी है, टी से आके पी पर मिला है और ये दोनों सटा है, दोनों सट गया है, और यहां पे बीच वाला केंद्र कितना दिया है 110, तो बोल रहा है ये वाला निकालिए कैसे, एंगल पी टी क्यू ये कितना होगा, यही ना है पी टी क्यू किसके बराबर है, ठीक है। आप बताइए ये पी टी क्यू जो बीच वाला होता है ना उसी को एंगल बोलते हैं, यहाँ पे पी टी क्यू, अगर आपको ये पूछता ना तो इसका नाम रखते हैं टी पी ओ, टी पी ओ जिस एंगल का बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पी टी क्यू, ये वाला एंगल कितना होगा, तो बताइए ना सबसे आसान है, ये पहले चार भुजा से बना है, कितना भुजा से बना है, चार भुजा, तो एक चतुर्भुज जो होता है ना, कोई भी चतुर्भुज हो, ये नहीं कि ये रेक्टेंगल यानी आयत ही होना चाहिए, कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं, एक चतुर्भुज में पूरा कोण का योग सब कोणवा मिला करके 360 डिग्री होता है, तो बताइए ये भी तो एक चतुर्भुज है, एक दो तीन चार, तो सब मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया 110, पहला कितना हो गया एंगल 110, ध्यान से समझते चलिएगा, ये वाला जाएगा एक हो गया 110 प्लस ये Q एंगल कितना हो गया, तो देखिए जहां स्पर्श होता है वहां 90 डिग्री, ये वाला पूछा है तो हमको T पता है ही नहीं कि T कितना होगा, यही बीच में यही ना है, देखिए T बोलना है निकालने के लिए, ये वाला आके स्पर्श हुआ तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आप बताइए कि चारों कोण को जोड़ने पर कितना आता है चतुर्भुज में, तो 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 90 हो गया, ये हो गया, तीन को हमको पता है, चौथा निकालना है, 110 90 90 कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 0 9 9 18 और ये कितना हो जाएगा 19, और ये 19 के 9 आदमी की एक है 290 प्लस टी बराबर 360, टी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, मिला जुला कहीं जब घटाइएगा तो आपको कितना आंसर आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी समझ में आएगा, टी बराबर 70 यानी ये वाला एंगल, यानी हम कह सकते हैं एंगल पी टी ओ बराबर 70 डिग्री, ठीक है। ये पता हो गया कि जहां स्पर्श होगा 90 90 110, तो जो बच गया 360 की जरूरत है, सबको जोड़ने पर 360 आना चाहिए, तो जो घटेगा वो वहां लिख देना, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहिए, मजा लेते रहिए वीडियो का, और फिर हम लोग देखते हैं अब ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मल्टीपल चॉइस के लिए, ठीक है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु पी, यहाँ कहीं पॉइंट पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, कह रहा है कि यदि कोई एक बिंदु है, उसका नाम बिंदु का क्या है, पी है, मान लीजिए कि बिंदु डाल दिए, इसका नाम क्या है, पी है, और एक ओ केंद्र वाला कहीं वृत्त है, केंद्र का नाम है, ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र का नाम है ओ। अब कह रहा है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर यहाँ से पी ए और पी वी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुक रही है, इसका मतलब नहीं समझे, कह रहा है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक, एक इसके बाहर एक कहीं पॉइंट पी है, अब पी से जा रहा है स्पर्श रेखा पी ए, कहाँ जा रहा है, पी ए, तो इसका नाम ए, अब पी से ही जा रहा है तो उसका नाम है पी बी, ठीक है। और जब ऐसे जा रहा है दोनों, तो ऐसे जब जा रहा है तो यहाँ कोण झुका हुआ है, कुछ झुका है ना यहाँ पे कोण, ये कितना डिग्री कोण पर झुका है, तो ये 80 डिग्री के कोण पर झुका है, कितना डिग्री कोण पर झुका है, 80 डिग्री के कोण पर झुका है। अब यहां पे कह क्या रहा है, तो पी ओ ए बराबर होगा, यानी पी ओ ए का मान निकालिए, तो देखिए पी ओ यानी इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ए, ऐसे
ये वाला निकालना है पी ओ ए, ये कितना डिग्री होगा। तो ये भी तो सबसे आसान है, बताइए इस ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये एक त्रिभुज बन रहा है। जिस तरह चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ रहे थे 1 2 3 4 तो क्या हो रहा था 360, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो जोड़ना दीजिए, दो को आपको पता है, यहाँ तो स्पर्श हुआ है तो 90 डिग्री आई, पूरा 80 था तो बीच से जब काट दिए तो कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तब ना 40 मिला के 80 डिग्री पूरा हुआ था, पूरा कितना होता 80, तो आधा हो गया 40। तो यहाँ देखिए 90 ये हो गया, 40 ये हो गया, और कितना जोड़िएगा कि 180 हो जाए, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस, थोड़ा सा दूरी पर लिखिए, एंगल पी ओ ए प्लस पी ओ ए प्लस ओ ए पी प्लस ए पी ओ, सब एंगल है। ये कैसे लिखे हैं हम देखिए, जो बीच में आएगा उसी को एंगल कहते हैं। पहले वो बीच में आया है, फिर ये आया है, फिर उसके बाद ये आया है, वो बीच में आया है, ये निकालना है हमको, यही नहीं पता है। पी ओ ए प्लस ओ ए पी, ओ ए पी माने बीच में ये कितना डिग्री 90 डिग्री, अब प्लस ए पी ओ, ए पी ओ ये कितना डिग्री 40 डिग्री, तीनों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल पी ओ ए प्लस 90 और 40 कितना हो जाएगा, तो 90 40 होता है 130 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, मिला जुला के टोटल हो गया 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, सॉरी 130 में से 180 में से 130 जाएगा तो 50 डिग्री, ये मिला जुला के 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा 50 डिग्री, ये इसमें कौन आया था 70 डिग्री आया था, ये हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो समझ में आया तो शेयर करते रहिए, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कितना मजेदार तरीका से ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखा समानांतर होता है। मतलब क्या कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि कोई वृत्त है, क्या है कोई वृत्त है, और वृत्त का जो व्यास है, मान लीजिए व्यास किसे कहते हैं, जो वृत्त को आधा आधा काट दे उसे व्यास कहते हैं, इसके सिरों पर यानी कि इसके सिरों पर खींचे गई स्पर्श रेखा, सिरा मतलब समझते हैं सर, समझते हैं सर, तो मान लीजिए कि ये व्यास हो गया, तो इस सिरा पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, ऐसे मान लीजिए यहाँ सटा के खींचिए, स्पर्श का मतलब हुआ कि यहाँ से सट के आना चाहिए और यहाँ ये सट के आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ये आपस में क्या है समानांतर है, समानांतर समझ रहे हैं, इन दोनों लाइनों की कहानी क्या बताए, ये दोनों लाइन ट्रेन का पटरी जो होता है ना देखिएगा समानांतर होता है, लेकिन बेचारा वो हमेशा साथ साथ रहने के बावजूद भी आज तक वो एक नहीं हुआ। यहाँ समझिए ऐसी ही लाइन को समानांतर कहते हैं, रहता तो है साथ साथ लेकिन कभी भी क्या होता है एक जैसे, ऐसे ट्रेन के पटरी की तरह। तो यही साबित करना है कि लाइन आपस में क्या है समानांतर है। साबित कीजिए कि अगर स्पर्श रेखा के सिरों पर यहां और यहां अगर एक लाइन खींच दे तो ये समानांतर होता है, साबित करना है। तो हम लोग समानांतर इसे साबित कर सकते हैं, देखिए कैसे। आप ऐसे पढ़े होंगे एकांतर कोण वगैरह, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ये लाइन जब समानांतर होता है और इस लाइन को ऐसे काट दिया जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर अगर हो जाए तो समझिएगा ये लाइन समानांतर था। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए कि एक ऐसे कोण है एक ऐसे कोण है और ये वाला कभी बराबर होगा, ये देखिए ये छोटा दिख रहा है, लग रहा है कि 90 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये फैला हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो बराबर हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन समानांतर नहीं था, ये जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा मिल जाएगा, लेकिन समानांतर लाइन का रूल क्या है कि कहीं जाके नहीं मिलेगा, मतलब बीच में हमेशा दूरी रहेगा। यहाँ देखिए, अगर ये लाइन में देखिए 2-3 तरीका से इसको साबित हम लोग कर सकते हैं, अगर ये वाला और ये वाला बराबर कर दे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों लाइनें समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों कोण एक तरफ, ठीक है, एक तरफ वाले दो कोणों का योग दोनों को जो कितना कर दे 180 डिग्री कर दे, तब तो ये लाइन आपस में समानांतर हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यही तो है, बताइए तो इस टाइप का ये था कि नहीं, दो ऐसे लाइन है, इसके बीच में एक लाइन क्या कर दे, दो मान लो ऐसे लाइन है ऐसे खींच दिया गया, तो अगर ई वाला बराबर हो गया तभी क्या है ये क्या हो जाएगा, लाइन आपस में समानांतर हो जाएगा, समान अंतर वाला हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं, ओ केंद्र मानते हैं,
इस लाइन का नाम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं क्या दिया है, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इसके व्यास के सिरों पर, सिर मतलब सर पर, ठीक है, दो लाइन ए बी और सी डी स्पर्श रेखा खींचा गया और इस बिंदु का नाम मान लो यहाँ पे पी और क्यू, जहां जहां बिंदु है नाम मान लो। यहाँ गिवन में लिखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, ओ केंद्र वाला एक वृत्त के व्यास के सिरों पर ए बी तथा सी डी स्पर्श रेखा पी तथा क्यू बिंदु पर खींचा गया है। बताइए ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसके व्यास के सिरों पर ये लाइन दो को खींचा गया है ए बी और सी डी, किस बिंदु पर, पी और क्यू बिंदु पर यहाँ पे खींचा गया है। तो साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित हम लोगों को करना है कि जब खींचा गया तो ये दोनों लाइनों क्या पैरेलल है, एकदम सामने सामने है, बीच का दूरी बराबर है, तो है ही, दिख भी रहा है, लेकिन लिखना पड़ता है ए बी पैरेलल सी डी साबित करना है। तो करना है क्या, साबित करने के लिए अगर हम लोग ई वाला ई एंगल, इधर का एक एंगल, अगर दोनों एंगल बराबर कर देते हैं तो समझिएगा ये आपस में क्या हो गया, लाइन पैरेलल हो गया, और नहीं तो ये वाला दोनों 180 डिग्री कर दे योग तो भी हो जाएगा, दोनों तरीका से बन सकता है। यहां बराबर करते हैं, देखिए यहां पे प्रूफ प्रमाण में क्या देते हैं, यहां पे होगा एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री हो सकता है कि नहीं, ओ पी ए 90 डिग्री क्यों, क्योंकि यहां देखिए, क्योंकि यहां ए पी जो है ना ये स्पर्श किया है वृत्त पर, और जहां कोई लाइन बाहर से स्पर्श करेगा सटेगा वहां क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श पर क्या होता है, लंब होता है, तो जहां लंब होता है वहां कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, यानी जो त्रिज्या होता है ना इस स्पर्श रेखा पर आके लंब होता है, हम लोग उस समय से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये समझोगे, इसको समीकरण एक मानना होगा, तो समीकरण एक इसको आप मान सकते हैं, समीकरण एक। अब यहां देखिए, जब ये वाला एंगल ऐसे हो गया, अब इस एंगल को देखिए, ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री, क्यों, तो समीकरण दो मानिए, ये भी सेम टू सेम होगा, जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना स्पर्श रेखा पर क्या गया है, लंब गया है यहाँ पे, तो लंब होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो बस क्या गया, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू डी, ठीक है, ये दोनों बताइए, ये वाला लिखा है यहाँ पे ओ पी ए, ओ पी ए ये वाला एंगल और ओ क्यू डी ये वाला आपस में बराबर हो गया, तो जब आपस में बराबर हो गया तो बताए थे कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, और बराबर क्यों हुआ, तो यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण है, यह है कि नहीं, इसलिए लाइन ए बी पैरेलल सी डी, इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों बराबर कर देना है, तो बराबर होगा नहीं, ये भी स्पर्श है तो 90 डिग्री, ये भी स्पर्श है तो 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर दिख गया, तो जब दोनों बराबर है तो ये लाइन पैरेलल है, बात खत्म, इतना ही तो करना था, इसमें कुछ है ही नहीं, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये चुटकियों में बन जाएगा और ये बनाना कुछ नहीं है, बता दें आपको कि इसमें बनाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट समझ लीजिए कि आपको पता है, आपको क्या पता है, देखिए आपको एक चीज पता है कि एक वृत्त होता है गोला, और गोला में जो स्पर्श रेखा होता है, जो नीचे स्पर्श करके जाता है, तो वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श रेखा यानी त्रिज्या जो जाता है वो लंब होता है, ये चीज पता है, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, ये बोल रहा है कि कोई मान लीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, पहले तो एक गोला मान लीजिए,
ये हो गया स्पर्श रेखा। तो जब लाइन यहाँ स्पर्श किया है, सटा है, मान लीजिए कि ए भी एक लाइन स्पर्श किया, तो इसको तो लाइन को बोलते हैं स्पर्श लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, और जहाँ स्पर्श करता है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये कह क्या रहा है कि जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर ये जो ऊपर से लंब खींचा जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लंब खींच रहे हो सेम टू सेम, तो क्या ये बीच में से जाएगा कि ये साइड से चला जाएगा? तो आप बताइए कि जब एक ब्रीथ होता है और लाइन ऐसे सट के जब निकलता है तो एकदम बीच से आता है तभी तो लंब होता है, इधर साइड से आएगा, साइड से आएगा तो ये लंब थोड़े पड़ा है। लंब का मतलब होता है सीधा पड़े तो 90 डिग्री का कोण बनाए, जबकि यहाँ वही साबित करना है कि यहाँ जहाँ स्पर्श होता है, जहाँ सीधा लंब आता है, तो क्या वो केंद्र से ही आता है कि दूसरे जगह से आता है? ठीक है, यही साबित करना है। तो जाहिर सी बात है वो केंद्र से आता है, हम लोग 10.1 थ्योरम में यही तो साबित किए कि यहाँ से आता है तो 90 डिग्री बनता है, यानी सीधा आता है, यानी केंद्र से ही होकर गुजरेगा। कह रहा है कि अगर यहाँ से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया है, अगर इसे ऊपर ऐसे ले जाओगे तो क्या होगा, इस सेंटर से यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा तभी तो 90 बनाएगा, हे साइड से जाएगा केंद्र को छोड़ करके, तो ये 90 थोड़े ना बना रहा है, ये 90 नहीं हो रहा है। तो हम लोग साबित कर देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ इसमें मानना पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसको साबित करने के लिए उल्टा मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की, जो भी है लड़का है, अगर उसको साबित करना है कि वो लड़का है तो पहले उसको लड़की मानो, क्या मानो, उसको लड़की मानो, और लड़की साबित करने की कोशिश करोगे तो कुछ सबूते इकट्ठा करोगे कि ये किस हिसाब से लड़की है। अगर आपको साबित नहीं हो पाए कि ये लड़के, इसका मतलब क्या है, वो लड़का हुआ, लड़का साबित हो जाएगा, हम कहेंगे क्या कि चल भाई हम मानते हैं कि ये वाला जो है, ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे भी साबित करेंगे कि चलो ये यहां केंद्र से होकर के गया है, तो ये भी केंद्र से होकर गया, इसको केंद्र मान लो कहीं, ये मान लो केंद्र, और कह रहा है कि जहां स्पर्श हुआ है तो ऐसे सीधा लाइन जाएगा तो केंद्र से होके जाएगा, ठीक है। तो जब ये भी केंद्र से होके जाएगा और ये भी केंद्र से होके जाएगा तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, ये वाला बीच की दूरी और ये वाला जितना है दोनों कहाँ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तब तो है वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है, एकर मतलब है नौटंकी हुआ है, ठीक है, ये गलत माना गया है, ओरिजिनल ये था जो सीधा आएगा तो लंब होगा, ऐसे भी साबित कर सकते हैं। तो यहां देखिए, उस हिसाब से हम यहां पे सबसे पहले क्या है, तो ओ केंद्र मानते हैं, क्या मानते हैं, ओ, यहां पे ए तो यहां पे मान लेते हैं पी, यहां मानते हैं सबसे पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा गया है जिस पर ए बी एक स्पर्श रेखा है और क्या है पी एक स्पर्श बिंदु है, यहां गिवन में लिखिए GIVN जो दिया है, क्वेश्चन को लिख दिया जाता है वही गिवन है, डायरेक्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन को आधा यहां से लिख दो सिद्ध करने वाला छोड़ करके, वही आपका क्या हो जाएगा, ये गिवन हो जाता है, यानी कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है जिसमें पी एक स्पर्श बिंदु है, हो गया, पी एक स्पर्श बिंदु है। साबित क्या करना है, टू प्रूव, देखो यहां पे कह रहा है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यहां लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब किसे जाता है, केंद्र से होकर जाता है। बाबू केंद्र से जब होके नहीं जाएगा तो बताइए स्पर्श रेखा पर कभी 90 डिग्री कोण बन सकता है? आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं कि ऐसे है तो यहाँ पे बीच से आएगा तो केंद्र से त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री बनता है, यही यहाँ पे इनको समझा देना है, ठीक है, कि लंब पर लंब केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, आप जानते हैं जैसे कि एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, यहां लिख सकते हैं थ्योरम यानी प्रमेय 10.1 के अकॉर्डिंग ये क्या है 90 डिग्री है,
ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे भी ये लंब हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, इसको भी कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं हम ए पी, तो इसको मान लेते हैं क्यू, या फिर जो मानना है मान ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब कुछ देर के लिए ये भी यहाँ से इसको केंद्र मान रहा है, जबकि केंद्र ये ओरिजिनल है, ये जानबूझ के माना गया है। साबित करने चलेंगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए ना, ठीक है। जब इसको केंद्र माने हैं तो 10.1 थ्योरम के अनुसार कि केंद्र से अगर ये गुजरेगा तो 90 डिग्री पर जाएगा, यानी कि ये कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो इसको केंद्र माने हैं, अगर वृत्त का केंद्र ये है, वैसे दिख भी नहीं रहा है, तो ठीक है, जब केंद्र से गुजरेगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, Q को केंद्र मानकर, ठीक है, यहाँ क्या कह गया, P से Q पर गुजारा गया है, तो इस हिसाब से जब Q से गुजारा गया है, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि तब Q, P और B तब यहाँ से गुजरेगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। यहाँ देख सकते हैं समीकरण, इसको अगर एक मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, दो। तो समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो से, तो इन 90 से 90 कट जाएगा, समीकरण एक और एक दो में ये, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और दो से का मतलब समझते हैं, ये दोनों को बटा में लिखा जाता है, कैसे, तो एंगल ओ पी बी, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, और फिर इसी के बटा में लिखा जाता है एंगल क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। ऐसे ये कट गया तो क्या बचा, वन, और यहाँ पे तिरछा तिरछी क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा, तो ये वन में वन से, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी बराबर एंगल क्यू पी बी, ठीक है। यहाँ आप बताइए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ओ पी बी और क्यू पी बी बराबर है। आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये है बड़ा ओ पी क्यू और ये क्या है, छोटा है। तो बताइए कि जो हम माने हैं वो गलत है कि नहीं। तो यहाँ लिखोगे, अतः हमारा मानना गलत है कि P से Q बिंदु पर, यहाँ पे क्या माने हम, P से Q पर गुजारा गया रेखा AB पर लंब होगा। यही तो माने हैं कि यहाँ पे Q से क्यू को केंद्र मान करके पी से क्या गया, क्यू पर जब गुजारा गया, तो ये कभी केंद्र हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, क्यू एक केंद्र है, ठीक है, या फिर ये केंद्र से जब गुजरेगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ये एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा, गुजारा गया लंब ए बी पर लंब होगा यहाँ पे, क्योंकि क्यू केंद्र नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या होगा, इसलिए स्पर्श बिंदु, यहां यही चीज लिखते, इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यहां पे स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है, और यहां से वो किससे होता है, केंद्र से होकर के गुजरता है, आप नीचे यहां लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा, इसमें कुछ मानना ही नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट बोल रहा है कि जहां स्पर्श होगा वो कहां से जाएगा, एकदम केंद्र से होकर के आता है या जाता है, तो हम दूसरे जगह माने तो केंद्र से, ठीक है, इसको केंद्र मान लिए, जब इसको केंद्र मान लिए तो केंद्र से गया तो 90 होना चाहिए ना, 90 हो ही नहीं रहा, जबरदस्ती माने हैं तो जबरदस्ती होना चाहिए, तो दोनों शेप बराबर होना चाहिए, तो ये बड़ा हो जा रहा है वाला छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तमरा मानना तो गलत हो गया ना, ठीक है। इस हिसाब से ये आपको 5 नंबर समझ में आया होगा। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, कितना आसान है। कह रहा है कि एक बिंदु A से, कहीं एक बिंदु होगा A, वहां से एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो वो उधर A है ना, वो वृत्त के जो केंद्र है वहां से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर यहां मान लीजिए कुछ देर के लिए वृत्त हो गया, तो इस वृत्त के बीच से कहीं A पॉइंट है वो 5 मीटर दूर है, यहां से यहां की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ध्यान से समझिए। तो एक वृत्त हम बना ले रहे हैं और यहां पर क्या कर दे रहे हैं, कहीं पर यहां लाइन रख दे रहे हैं जिसका नाम A, ये केंद्र तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, यहां पर केंद्र तक, यानी सेंटर मानते हैं इसको, यहां से यहां ये कितना है,
ओ केंद्र मान लीजिए ये 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर। आगे कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा भी तो खींचा गया है, और अब जो स्पर्श कैसे होगा, ऐसे जाएगा स्पर्श, यहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। और जब स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितना है स्पर्श रेखा की लंबाई? 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए, ये वाला जो त्रिज्या है ये वाला कितना होगा निकालिए। आप बताइए कि जहां वृत्त की स्पर्श रेखाएं जाती है मिलती हैं, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री बनाता है। इसको अगर सीधा फिगर ऐसे बनाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसका कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये वाला निकालिए, त्रिज्या यही ना है, यहाँ पे ए यहाँ पे पी मान लीजिए, ओ पी यानी कि त्रिज्या निकालिए। तो बताइए कि ये त्रिज्या निकालना हो इसको पाइथागोरस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, आपको बताए थे ना कर्ण की कहानी, कितना प्यार से बताए थे, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो हाई मिलता है, माने ये डायरेक्ट कर्ण कहता है कि तुम लोग मेरे ताकत के बराबर नहीं आ सकते हो, तो दोनों मिल करके भी नहीं मेरे बराबर, इस लाइन के बराबर नहीं आ सकते, तुम दोनों को अपने पावर को डबल करना होगा और फिर दोनों जुट करके आओगे तो हमारे बराबर आओगे। तो अब बताइए जब दोनों को जोड़ने के बाद से ये मिल रहा है, तो अब निकालना हो ये तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। यहाँ देखिए, मान सकते हैं त्रिज्या को आर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इस यहाँ पे त्रिज्या को आर मान लीजिए। अब यहाँ पे निकालना होगा आर, तो क्या कीजिएगा, R बराबर यानी कि आप निकालिएगा पी ओ चाहे ओ पी बराबर अंडर रूट, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए स्क्वायर करके, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आपको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हो गया इसका आंसर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कितना मजेदार है। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सब काफी इंपॉर्टेंट है, हर मैट्रिक के एग्जाम में इस टाइप का वृत्त से जरूर क्वेश्चन रहता है, तो आपको तो मेहनत बहुत ही जबरदस्त तरीका से करना होगा, क्योंकि नंबर आपको बेहतर लाना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पड़ोसी वाला आके मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि आपने बेहतर रिजल्ट लाने का सपना देखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कह रहा है कि जब 2 वृत्त है और एक ही केंद्र वाला वृत्त है, मतलब कि एक ऐसे केंद्र मान लो बीच में, यहां से 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या इसी को ना बोलते हैं, यहां पे केंद्र से ये परिधि तक ऐसे 3 सेंटीमीटर का एक मान लो कि वृत्त हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब कह रहा है कि केंद्र यही रहेगा, जब केंद्र वही रहे और यहां से 5 सेंटीमीटर लेकर के एक और वृत्त खींचा गया है, एक और मान लो कि हमने क्या खींच लिया, वृत्त खींच लिया, मान लीजिए कि एक वृत्त है, तो इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, जीवा की लंबाई निकालना है। अब पता करना पड़ेगा ना जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी गोल चीज का वृत्त का अगर बीच से लाइन कटे तो ये जो बीचों बीच लाइन तोड़ दे रहा है इसको, ठीक है, इस बड़ा लाइन को कहते हैं व्यास, ठीक। लेकिन अगर ये लाइन बीच से न तोड़ करके कहीं दूसरे जगह से तोड़े, यानी थोड़ा सा हट करके, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं जीवा, CHORD, कोई कोड बोलता है और कोई चोट बोलता है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा जीवा, ये हो जाएगा, तो यही जीवा की लंबाई निकालना है। वो जीवा इसमें खींचा का गया, अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पता है कहाँ खींचा गया है, ऐसे जगह खींचा गया है कि देखिए जो क्या है, छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है, ऐसा जगह खींचो कि बड़का के लिए तो जीवा हो जाए लेकिन छोटा के लिए स्पर्श है। तो बताइए ये वृत्त है, अब वृत्त को यहाँ से अगर काटे हैं बड़ा वाला वृत्त के लिए, तो इसके लिए तो ये क्या हो गया, जीवा हो गया, लेकिन इस छोटा वृत्त को सट के गया है तो इसके लिए क्या है, स्पर्श का। तो इसी की लंबाई पूरा निकाल देना है कि ये कितना लंबा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ड्रॉ हम लोग करेंगे, मान लीजिए कि सेंटर से ये लंब आता है तो इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का है। अब बड़ा वाला का ये त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं, देखिए तो केंद्र से अब बड़ा वाले परिधि तक ये लाइन गया है तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया, इसकी लंबाई भी दिया है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ये कितना लंबा होगा, तो एक बात बताइए, कर्ण दे ही दिया है हाइपोटेनस और लंब दे दिया है, तो आधार नहीं निकल जाएगा, ओ इसको मान लीजिए, पी इसको क्यू,
और इसको मान लीजिए R, तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर ये समकोण त्रिभुज जहाँ पे लंब गिरता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ क्या बना? समकोण त्रिभुज। तो लंब यहाँ पे कर्ण दिया है, लंब यहाँ पे लंब भी दिया है, तो आधार आराम से निकल जाएगा। और जितना आधार ये होगा उतना ही ये होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये दोनों आपस में बराबर है? पहले इसको बराबर तो कर ले। ये 5 हो जाएगा तो ये भी 5, 5 और 5 10, जीवा की लंबाई 10 हो जाएगा। लेकिन ये निकाले कि पहले है कितना, पहले ये दोनों यहाँ से यहाँ बराबर है, उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो। सर्वांगसम माने हम सकल कर बना दो। जब एकदम हम सकल हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, तो समझ गए कि हाई वो लाइन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आपको सर्वांगसम का रूल हम बता दिए हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, गिवन वगैरह लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए, त्रिभुज ओ पी आर तथा ओ आर क्यू में, ओ पी आर और ओ क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे ओ आर क्यू में। अब बताइए कि इसमें का कोई तीन गो सबूत इसमें ढूंढ दो, समझ, तीन गो सबूत मिला, समझ जाओ ये हम सकल है। तो मिलेगा नहीं, इस त्रिभुज में हाइयो 90 डिग्री आई, इस त्रिभुज में यो 90 डिग्री, एक तो एंगल मिल गया। दूसरा, इस त्रिभुज में यहाँ ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी बराबर मिल गया, कर्ण भी। आइए देखिए, आई दोनों इस त्रिभुज में ये भी लाइन मिल रहा है और ये वाला भी लाइन मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है ओ आर पी बराबर एंगल ओ आर क्यू, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में 90, इसमें भी। एक सबूत दोनों में मिल गया है। दूसरा सबूत यहाँ देखिए, जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला त्रिज्या है बड़ा वाला के लिए और ये भी वाला त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या के हिसाब से बराबर है। और तीसरा कंडीशन, इस त्रिभुज में भी ये वाला लाइन आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ये वाला, तो ओ आर बराबर ओ आर क्या हो गया, कॉमन लाइन है, कौन सा लाइन है, कॉमन लाइन है, कॉमन मिल गया। तो जब ये तीनों मिल गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी आर, सर्वांगसम का सिंबल ऐसे होता है, क्या हो जाएगा, ओ आर क्यू, किससे किससे, तो आर एच एस से, क्योंकि राइट एंगल भी मिल गया, हाइपोटेनस भी ये मिल गया, मतलब ये राइट एंगल, ये कोण मिल गया, एक लंब मिल गया, तो आर एच एस से क्या हो गया, सर्वांगसम। इसलिए बाबू पी आर बराबर आर क्यू हो जाएगा। जब एक बात बताइए, ये वाला त्रिभुज ये एकदम हम सकल हो गया, एकदम बराबर हो गया, तो उसका हर एक अंग भी तो बराबर होगा, तभी तो सर्वांगसम कहते हैं। तो ये लाइन आपस में बराबर हो गया। अब ये निकाल लीजिए ये कितना होगा, तो यहाँ से आर क्यू, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप, आधार निकालना है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में रहता है। आप बताइए आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे है आर क्यू, ये भी आधार ले सकते हैं, ठीक है। कर्ण कितना है, तो 5 का स्क्वायर, और लंब है आपका 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9, 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। बताइए ये वाला आर क्यू कितना निकल गया, आर क्यू हो गया 4। तो बताइए आर क्यू और पी आर बराबर है कि नहीं, आर क्यू और पी आर, तो जब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप आर पी आर बराबर आर क्यू पी आर, यहाँ पे आर क्यू बराबर कितना आया है, 4, तो ये भी दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के ये पी आर बराबर भी ये भी 4 हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं पी से क्यू कितना होगा, तो पी से क्यू होगा पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, ये भी 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8, क्या है, मीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, यानी कि जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, मेहनत दबा के कीजिए कि रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।